अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप सो आर डूइंग गुड। तो भाई साहब, अभी कुछ देर पहले मैं उठा और बस फ्रेश अभी होना है। तो सबसे पहले फ्रेश हो जाए, उसके बाद बहुत ज़्यादा काम है बाहर है आज सारा दिन, सैटरडे ऑन जाना है, उसके बाद अपनी ग्लासेस भी कुछ ठीक करवानी। फिलहाल तो मैं ग्लासेस के बगैर ही मैं बैठ गया ना, तो चलते हैं फिर बाहर और आप लोगों को बाहर ही मिलते हैं। फिर स्नैक्स में मुझे सिर्फ और सिर्फ ये पसंद है, ये और तूने क्या लेना है, कोई जूस वगैरह? मैं ये लूँगा और ये ले लेता है, बस डन मेरा हो गया। जूस ले लूँगा भाई, मैं जूस में अब हम आज ओ भाई भाई लीही जूस भी है, मैं पी लूँगा घर जा। और कुछ इसके अलावा कुछ स्नैक्स लेने थे हमाद ने और मैंने भी, तो वो ले लिया है। फिलहाल घर चढ़ते हैं। उससे पहले ना ये ग्लासेस का ये नोज पैड डलवाना है और उसके बगैर ऐनक बहुत ज़्यादा चुभती है, तो सबसे पहले वो डलवाने चलते हैं। और ऐनक थोड़ी टेढ़ी लग रही होगी इसी वजह से, तो फिलहाल उधर ही चलते हैं। यार मेरे ना ये नोज पैड डलवाना था, लेकिन ना जिस ऑप्टिकल वाले के पास मैं जाता हूँ ना वो बंद था इस टाइम, तो मैंने कहा घर चलते हैं फिर रात को अगर देखेंगे मार्केट जाना हुआ। तो बाइक सर्विस पे हम दे आए थे तो पैदल ही घर आ चुके थे, तो वो मैंने क्लिप बनाया, वो वीडियो नहीं थी स्टार्टर, मैं वापस ऐसे ही आ गया और मैंने घर आके देखा भाई वो क्लिप ही नहीं था, तो मैंने कहा घर जाके आराम से बना लेंगे। तो घर आ चुके हैं, फिलहाल देखते क्या खाए पिए, और गंद बला तो हम गोरमे से पहले ही ले के आ चुके हैं। ते ही हमने आजकल जूसेस शुरू किए हैं, बल्कि आज से ही शुरू किए हैं। सो हमारे पास ये पड़ी हुई थी कैरेट भी पड़ी थी, और ये है चुकंदर, कुछ ऑरिजिन पहले किसी ने बना लिया था तो हमारे लिए थोड़े से ही हैं, तो इस टाइम हम हमारी हेल्प करेगा मशीन में डालने के लिए ताकि हम ये मग पूरा पी सकें। ठीक है, रेडी हो चुका है हमारा मग जूस का। सो मैंने खुद बना लिया और इसे ट्राई करते हैं। क्रीमी क्रीमी, नो शुगर, ना कुछ और मैंने डाला है, सिंपल फ्रूट्स हैं और उसी को इंजॉय कर रहे हैं। सो बेसिकली वो उनका थोड़ा काम चल रहा था, तो वो कहते हैं कि आप 10 मिनट तक आ जाएं। मैं कहा ठीक है, मार्केट में ही है, थोड़ा मार्केट घूम ले। मेरे साथ राफे है, तो कहता है यार आप लोग चला लोगे या मैं चला लूँ? मैं कहा नहीं, इधर आ शवारमा खाने चलते, सब नज़र आएगा। तो 10 मिनट तक उन्होंने टाइम दिया, तो 10 मिनट बाद आके पिक कर ले गए हैं। दोनों एन के हैं, और एक उमाइमा की थी, उमाइमा के ना डंडे ज़रा लूज़ हो गए थे, वो थोड़े सेट करवाने थे। और मेरा नोज़ पैड का इशू था बहुत ज़्यादा, इधर तो मैंने ज़ख़म खा लिया था पूरा, अब तो हील भी हो चुका है। सो चलते हैं फिलहाल शवारमा खाने। वी जस्ट गोट अवर शवारमा, और अक्सर लोग बड़े इतने शौक से खाते हैं, मैं तो मार्केट आऊँ फिर कभी चक्कर लगे तो फिर खाया जाता है। लेट्स टेक अ बाइट। घर आ चुके थे और ऐनक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सेट हो गई थी, माइमा भी सेटिस्फाइड है, कहती है कि ज़्यादा टाइट होगी। मैं कहा वो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी लूज़। तो इधर ही व्लॉग एंड करते हैं, क्योंकि मैं सुबह से लगा था और मैं थक चुका हूँ इस टाइम। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, यह बिहार बहुत लेट होगी इस व्लॉग में। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।